गाइस अगर मतलब पीछे देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सीव्यू पे हूँ तो बिल्कुल सही लग रहा है, मैं सीव्यू पे ही हूँ। मैं हूँ आज क्लॉक टावर पे, आज है हमारी सेकंड इफ्तारी और वेलकम टू बुफे के आदाब एपिसोड नंबर 2। गाइस अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब इफ्तारी में खाया नहीं जाता, गलत कहते हैं। मैं आपको खा के दिखाऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ज्यादा खाना खाऊंगा, लेकिन मैं सही तरीके से सही खाना चूज करके खाऊंगा। तो आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है, मतलब डिसिप्लिन के साथ सारी चीजें लेके चलते हैं। मतलब एक तरीके से आपका एक क्रैश कोर्स है, आपको सिखाऊंगा मैं। यार इतना कोई जबरदस्त मौसम हो रहा है ना, मैं खड़े होकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ की पहले वाइब चेक कराता हूँ। ये मेरी टेबल है, ये गाइस व्यू चेक करो यार, ये देखो। अच्छा गाइस वैसे ये हमारी सेटिंग है, हम आज बाहर की तरफ बैठे हैं, अंदर चल के दिखाऊंगा। तो अंदर इंडोर में भी है ना अलग लेवल है। 15 मिनट बचे इफ्तारी में, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा सकता हूँ। गाइस इससे पहले कि रश हो जाए, मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ एक गो थ्रू यहाँ पर है क्या क्या। ये अचार और चटनी वाला सेक्शन, अच्छा एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी बुफे में जाएंगे तो वहाँ पर पहले इफ्तार वाला आइटम आपको मिलेंगे, उसके बाद दे स्टार्ट द डिनर। लेकिन यहाँ पे मैं अभी राइट अवे पाया ले सकता हूँ, निहारी ले सकता हूँ, बारबेक्यू ले सकता हूँ। ये होता है बुफे बारबेक्यू। कितनी देर में मिलेगा बारबेक्यू? रेडी है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले पकौड़े समोसे ये सब खाएं उसके बाद जाके मैं डिनर लूँ। तो बिस्मिल्लाह इसी से कर सकता हूँ, लेकिन नमाज के बाद ही अप्रोप्रिएट रहता है कि पहले आप खजूर वगैरह खाएं, नमाज के बाद ही डायरेक्ट फिर एक साथ आप बैठते हैं। अच्छा गाइस अभी बस इफ्तारी का टाइम हो गया, बस 2-3 मिनट बचे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या क्या उठाया। ये मेरी प्लेट है, बहुत भारी, कुछ भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं, खाली। इसमें है कि एक खजूर, मैंने बंदे को बोला यार एक खजूर मुझे दे दो, और वो अफजा उठाया मैंने, वो भी आधा ग्लास खजूर खा के ये पी के उसके बाद नमाज, देन विल हैव अ प्रॉपर डिनर। अंडरस्टूड? यस सर, कमेंट कर दें। अच्छा गाइस अभी हम नमाज के लिए जा रहे हैं, तो मुझे पता चला, मैंने कहा आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ है नमाज का। यहाँ पर बुफे चल रहा है, ये नमाज और ये सामने समंदर है। गाइस अब राउंड वन के लिए प्लेट उठा ली हमने, सबसे पहले हम लेंगे प्रॉन। गाइस प्रॉन तो खा लिए, बड़े मजे के थे, अभी चलते हैं बटेर लेने के लिए। गाइस राउंड वन हमारा थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, वो सामने बन रहे बटेर है, बटेर अभी उठा रहे, ओह सॉरी यहाँ पर बन रहे बटेर। ये जाएंगे यार सीधा दिल में, मेरे फेवरेट। अच्छा हमें है ना कोई जल्दी नहीं है, तो हमें खाना गरम गरम, तो हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, जाया भी ना हो, और अगर दिल करा तो और लेंगे। गाइस ये भी जो बटेर लेके आया ना, इतने जबरदस्त हो रहे हैं ना, आपको कैसे बताऊं। बटेर तो गाइस बड़े खतरनाक थे। अब बारी है, मुझे पता चला यहाँ पर मंदी है, वो भी बीफ की। बीफ की मंदी कराची में कम जगह मिलती है, देखते है क्या है। ये बीफ वाली मंदी है ना, ओए होए क्या बात। और अंडा भी निकाल दो, अंडा भी निकाल दो, चावल भी दे दो। थोड़े से और, थोड़े से और, ठीक है, थैंक यू यार। ओए ओए ये प्लेट थोड़ी मुझे खाली लग रही है यार। बारबेक्यू अभी बना हुआ है, हाँ कबाब अगर है तो एक कबाब, कबाब निकाल दो यार। ओए 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 ये देखो, नहीं 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 बस 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 पहले ये खा लूँ मैं उसके बाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इधर भी कुछ टाइम नहीं होता, अंडा उसके साथ, ओए ओए अमेजिंग। अब गाइस चौथे राउंड के लिए हम ले लिए थोड़े और प्रॉन, और यार ये तो बीफ वाली मंदी थी ना, दिल को टच हो गई। एक दफा ये खत्म हो गया ना, बस इस राउंड के बाद हम जाएंगे मटन पे। नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर राउंड 5, और अब हम आ गए हैं पाए पे। ओए ओए अब गाइस पाए तो हमें निकाल लिए है, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी अगर निहारी का पीस हो जाए ना, ओए होए बस। अच्छा गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इसके साथ नान लिया होगा, मैंने रोटी ली होगी, नहीं भाई ये आपने गलती नहीं करनी है, आपने ना नान लेना है ना रोटी लेनी है, आपने ये सब रॉ खाना है, थोड़ा थोड़ा पीस खाना है और एक एक नली लेनी है स्ट्रॉ की तरह,
राइस पाए तो हमने खा लिए, ये हालत हुई है पाए की। तो यार बड़े मजे के थे, लेकिन अभी हमने जो मटन पाए खाए, अभी हम मटन कढ़ाई खाने के लिए जा रहे हैं। मटन कढ़ाई से गाइस कौन सी चीजें जो आपने अवॉइड करनी है? सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज ये आपने नहीं खाने, उसके बाद आ जाता है ये चिकन चाउमिन, और गाइस ये मैश पोटैटो। ये सारी चीजें है ना, ये आपको खाने में इतनी मजे की लगेंगी ना, लेकिन ये इतनी ही जल्दी आपका पेट फुल करेगी, तो आप इन चीजों से दूर रहें। अच्छा गाइस ये भी है पास्ता, ये भी यार ये आपने नहीं लेना। अगर आपने पेट भरना और अगर आपने पैसे अपने यूटिलाइज करने ना नेक्स्ट टू मैक्स वैल्यू के, तो फिर ये वाली चीज़ आप अवॉइड करें, ये आपको वैसे भी मिल जाएंगी, ये आपका सिर्फ पेट फुल करेंगे और कुछ नहीं। अब गाइस ये हमारा आ गया राउंड नंबर 6 मटन कढ़ाई, देखते हैं क्या सीन है। ओए ओए गाइस ये आखिरी एक और चम्मच है, मेक श्योर कर रहा हूँ कि हड्डी वाला लूँ। ये है ये देखो यार, इसको ढकते थे। अच्छा गाइस अब इतना भी फ्री नहीं हो ना, दो नान एटलीस्ट बंदा ले ले यार, मतलब ऐसे ऐसे तो नहीं खाना ना, सिर्फ वैसे रुका थोड़ी खाएंगे, इसके साथ भी थोड़ा खाएंगे। अच्छा गाइस 6 राउंड तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी पेट ऐसा हो रहा है भारी थोड़ा। अगर लास्ट ईयर में ब्लॉग नंबर पहला पहला एपिसोड था, मेरे साथ एक दोस्त आया था मेरा ये बताएगा आपको पिछले साल क्या हुआ। गाइस खाना खाने के बाद मैं 1 घंटा बैठा रहा था एक्स्ट्रा, और ये 1 घंटा खाता रहा, मतलब मेरे खाने के बाद, मतलब मैंने भी अच्छा खासा खाया था, लेकिन मेरे खाने के बाद मैं इसको बैठ के देखता रहा सामने, और ये 1 घंटा मेरे से ज्यादा इसने खाता गया। गुलाब जामुन तो पता नहीं कितने दर्जन खाए थे इसने। अब गाइस ये है हमारा 7th राउंड और हम आ गए हैं बीफ हलीम के स्टेशन में। हलीम यार कितना भी पेट भरा हो लेकिन हलीम हलीम है भाई। इसको थोड़े मसाले वगैरह, फ्राइड प्याज का तो मैं अलग ही फैन हूँ, फ्राइड प्याज, थोड़ा धनिया और चाट मसाला, अदरक, थोड़ी सी मिर्च। अब गाइस पेट मेरा हो गया फुल, मैं झूठ नहीं बोलूंगा पेट फुल हो गया, लेकिन बस टुकड़े टुकड़े में नहीं, थोड़ी बहुत जगह बचती है बस मीठे के लिए, तो बस हम खाएंगे मीठा। ये है चॉकलेट मूस, अब हम पता है क्या करेंगे, ये जो आइसक्रीम है ना यहाँ पे ये डालेंगे इसके ऊपर। एक और कर दो यार, थैंक यू। अब गाइस ये हमारा 8th राउंड आखिरी। अच्छा देख रहे हो पूरा ये किचन खाली हो गया, सब चले गए, सिर्फ ये हम ही बचे हैं। गाइस ये आप चेक करो, ये देखो कितनी सारी नली डाली है, और भी थी, ऐसा नहीं कम थी, मतलब ये यार सीधा जाती है दिल में कसम से। गाइस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई रोटी नहीं लेनी, कोई नान नहीं लेना, ये आपने सीधा डायरेक्ट खाना है रॉ साबुत। अब गाइस ये है हमारा 9th राउंड, सीधा गुलाब जामुन, इसके लिए अलग से स्पेस रखी हुई है भाई दिल में। ओए ओए ये कितने हो गए, 3, 5, 6, 7, 8, फिलहाल ये 8 लेते हैं उसके बाद। अब गाइस ये है हमारा 10th राउंड, थोड़े और गुलाब जामुन और थोड़ी सी मैंने कील ली, बड़ी जबरदस्त लग रही थी, टेस्ट करते हैं अगर समझ में आई फिर और उठाएंगे। अच्छा गाइस एक और बात मैं आपको बताऊंगी, ये मेरी चेयर है यहाँ बैठा हुआ मैं, तो भाई अभी सब लोग चले गए, कोई भी नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला बैठा हूँ पैसे वसूल करने के लिए, बाकी सब 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 के सब चले गए। 11th राउंड गुलाब जामुन, इतने नरम है ना, इतने गरम गरम खा नहीं सकता मैं, चला नहीं जा रहा, लेकिन गुलाब जामुन पहले खाने हैं। अच्छा गाइस मीठे में ये सारे आइटम भी है, जरूरी है जो मैं खा रहा हूँ वो भी आप खाएं, लेकिन यार ये चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन गुलाब जामुन इज ऑल, समझ गए ना, इनके हिसाब को अच्छी लग सकती है चीज़ें। ये और क्या है, ये क्या है, शाही के, ओके ठीक है। ये मूव अभी हमने दूसरे पहले खाया, ये भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले पता नहीं कितने लिए, लेकिन गिन के बता देना आप, मैं गिन नहीं रहा मैं खा रहा हूँ। लेकिन एक नहीं, हम अगर जार में कुछ ऐसे बड़ी बड़ी चीजें डाल देते तो साइड में नहीं छोटी 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 स्पेस बन जाती है, तो वो स्पेस अभी मेरे पेट में बची हुई है गुलाब जामुन के लिए, ये जाएंगे वहां कोने वाली स्पेस पे फिल आउट करने के लिए। गरम गरम ऑर्डर, उसे पूरा सॉफ्ट है। अच्छा गाइस अगर पैसों की बात करें तो इनका जो बुफे है वो है तकरीबन 2995, मतलब 3000 रुपये, तो 3000 रुपये के हिसाब से अगर आप खुद बताओ, मतलब मैं क्या बताऊँ, आप बताओगे ये वर्थ इट है कि नहीं है,
अब इसके दो कंडीशंस में बताता हूँ कि यहाँ से कुछ और लोग भी गए जिनका पेट भरा हुआ गया और उन्होंने अच्छा खाया। अब मेरा भी पेट भर गया और मैं भी घर जा रहा हूँ। हम दोनों का पेट भरा हुआ है लेकिन कुछ लोगों ने मतलब उन लोगों ने पकौड़े समोसे ब्रेड और आलू और लज़ानिया की चीज़ों से पेट भरा है, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सपेंसिव आइटम से पेट भरा है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे बुफे को अवेल कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा थोड़ा खाना है तो वो ठीक है, अगर आपने मेन आइटम खाने जैसे मैंने खाया बटर प्रॉन और मटन तो फिर ऐसे खा सकते हैं। दैट्स ऑल। अब मैं कल एक और बुफे में जा रहा हूँ। अब आप लोग बताओ कि मैं कौन से बुफे में जाऊँ और उसका रिव्यू दूँ कि लास्ट गुलाब जामुन।